नमस्कार दोस्तों, मैं सविता हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड से कमाई के लिए। अगर आप सोने में पैसा लगाकर कमाई करना चाहते हैं तो फिर गोल्ड बॉन्ड से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि सोने में इन्वेस्टमेंट का यही तरीका है जिससे आपको रेगुलर कमाई होती है। इतना ही नहीं, सोने का भाव चढ़ने से आपको उसी तरह फ़ायदा होता है जैसे कि सोने के बिस्किट या बार खरीदने पर। सोने में इस तरीके से कैसे निवेश करें, आज हम आपको यही बताएंगे। दरअसल हम आपको सीधे ऑनलाइन तरीका बताएंगे ताकि आप बड़ी आसानी से घर बैठे सोने पे पैसा लगा सकें। गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने से पहले इसके बारे में 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेना ज़रूरी है। जब आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, बल्कि उसकी जगह पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। रिजर्व बैंक खुद भारत सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड जारी करता है, मतलब इसकी सेफ्टी की गारंटी सरकार की ओर से होती है। मैच्योरिटी पर सरकार ही पैसे वापस करती है। आप इसे अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड की कीमत सोने के बाजार भाव से लिंक होती है, मतलब बाजार में सोने का जो भी भाव होगा गोल्ड बॉन्ड भी उसी भाव पर मिलेगा। और 8 साल बाद जब ये गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तब आपके बॉन्ड की कीमत उस समय के सोने के भाव के हिसाब से होगी। मतलब अगर सोने का भाव चढ़ता है तो आपको उतना ही फायदा होगा जितना फिजिकल गोल्ड लेने पर होता है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड में अलग से रेगुलर इनकम होती है, फिजिकल गोल्ड लेने पर ये संभव नहीं है। गोल्ड बॉन्ड पर 3% के रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। ये ब्याज हर 6 महीने पर आपके खाते में डाल दिया जाता है। मैच्योरिटी पर इस गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करने पर जो भी फायदा होता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, जबकि फिजिकल गोल्ड से अगर मुनाफा होता है तो कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। वैसे तो करीब करीब सभी बड़े बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदने की सुविधा देते हैं, लेकिन हम आज देश के बड़े बैंक SBI के जरिए ऑनलाइन गोल्ड खरीदेंगे। गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए आप सबसे पहले अपने SBI के नेट बैंकिंग पोर्टल onlinesbi.com पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपको ई सर्विसेज का सेक्शन दिखेगा, इसी सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने SBI की तमाम ऑनलाइन सर्विसेज दिखेंगी। इन्हीं के बीच आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी दिखेगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगले पेज में आपको अपना सेविंग अकाउंट चुनना है। अगर एक ही सेविंग अकाउंट होगा तो फिर आपको बस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अगले पेज में आपको बकायदा एक फॉर्म भरना है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और इसे पहली बार ही भरना होगा। अगर आप दोबारा कभी गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो ये फॉर्म नहीं भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम पता वगैरह भरना है। अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर डिटेल पहले से भरे होंगे। इसी पेज के आखिर में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। यहाँ पर आपको तय करना है कि क्या आप अपने बॉन्ड को डीमैट अकाउंट में रखना चाहते हैं, और अगर रखना चाहते हैं तो डीमैट पार्टिसिपेंट कौन हो, NSDL या फिर CDSL। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन चुनते हैं तो फिर अपने डीमैट अकाउंट का डिटेल भी देना होगा। डीमैट अकाउंट में बॉन्ड रखने से आप इसे मैच्योरिटी से पहले बाजार में बेच सकेंगे, लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिना कुछ किए आगे बढ़ जाएं और सबमिट पर क्लिक कर दें। अब आपने जो जानकारी भरी है उसका कंफर्मेशन पेज आएगा, आप इसे देखकर सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके साथ ही आपका गोल्ड बॉन्ड के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद आप ऊपर दिख रहे परचेज टैब पर क्लिक करें।
इसके साथ ही आपके सामने गोल्ड बॉन्ड खरीदने का फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आप भरते हैं कि आपको कितने यूनिट गोल्ड बॉन्ड खरीदना है। एक यूनिट गोल्ड बॉन्ड की कीमत 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर होती है। जैसे जैसे 1 ग्राम सोने का भाव ऊपर नीचे होगा, वैसे वैसे 1 यूनिट गोल्ड बॉन्ड की कीमत भी ऊपर नीचे होगी। बस आपको ये ख्याल रखना है कि आप गोल्ड बॉन्ड 1 के मल्टीपल में ही खरीद सकते हैं। जैसे आप 1, 2, 5, 10, 20 यूनिट गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर आप 3.5 यूनिट गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। इसलिए या तो आप 2 यूनिट खरीदिए या फिर 3। आप 1 साल में कुल 4,000 यूनिट गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। आपको इस फॉर्म में सोने का रेट भी दिखाई देगा। जैसे मैंने 4,802 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड खरीदा है। इस फॉर्म में आप नॉमिनी का डिटेल भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। स्टेट बैंक इसे हाई सिक्योरिटी पासवर्ड कहता है। अपने मोबाइल में चेक कीजिए और उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। इसके साथ ही गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट सेव करके रख लीजिए। अपने गोल्ड बॉन्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आप कभी भी इस पेज पर आकर इंक्वायरी टैब पर क्लिक करके अपने ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहीं से आप अपने गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको तुरंत गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसे इशू बंद होने के 4 दिन बाद दिया जाता है। आमतौर पर गोल्ड बॉन्ड का इशू 5 दिन के लिए खुलता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके निवेश के बदले आपको कभी भी सोना नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बदले आपको गोल्ड बॉन्ड दिया जाएगा। ये गोल्ड बॉन्ड वैसे तो 8 साल में मैच्योर होता है, लेकिन आप 5 साल बाद भी इसे भुना कर पैसे पा सकते हैं। इसके पहले भी आप चाहें तो इस बॉन्ड को मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन तब मुनाफे पर टैक्स लगेगा। जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो उसका पैसा अपने आप आपके इसी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो की मदद से आप गोल्ड बॉन्ड आसानी से खरीद सकेंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।